हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे DSO, जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता है, उससे क्रिस्टल कैसे चेक करेंगे। DSO का आपने नाम सुना होगा कि DSO जो है हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में बहुत ही बढ़िया टूल होता है, जिससे आप सिग्नल लेवल, डाटा लेवल को चेक करते हो। आज DSO की हेल्प से हम चेक करेंगे जो RTC का क्रिस्टल होता है, RTC क्रिस्टल जिसे कहते हैं, उसको कैसे चेक किया जाता है, उस पर जो फ्रिक्वेंसी बनती है वो कैसे DSO हमें दिखाता है। क्योंकि आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कि क्रिस्टल की वैल्यू, क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक करो, तो फ्रिक्वेंसी किस तरह से दिखती है। अगर आपके पास DSO है और आप चाहते हो कि क्रिस्टल कैसे चेक करना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल है वो आपको DSO जो उसका डिज़ाइन है वो कैसे दिखाएगा। ठीक है, तो वही मैं आज आपको DSO की हेल्प से RTC का क्रिस्टल चेक करना दिखाऊंगा। तो मेरे सामने ये एक बोर्ड है जिसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं 9632P है, जो लेनोवो का G570 या 80 के आसपास सीरीज है, ये एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बार पावर लगा के आपको देख सकते हैं। मेरे सामने DSO है, एक ये यूनिट का DSO है। ठीक है, तो मैं एक बार पावर लगा लेता हूँ लैपटॉप में। मैं CMOS से भी चेक कर सकता हूँ क्रिस्टल, लेकिन मेरा CMOS की पावर बिल्कुल कम हो गई है, इस वजह से मैं पावर लगा रहा हूँ। ठीक है, पावर मैंने लगा दिया है। ठीक है, मैंने DC भी ऑन कर लिया है और मैं क्रिस्टल की तरफ। तो अगर आपको ये नहीं पता कि जो RTC का क्रिस्टल है वो बोर्ड में कहाँ पर होता है, या पूरे बोर्ड में कितने क्रिस्टल होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने बता रखा है कि जो क्रिस्टल होते हैं बोर्ड में कितने टाइप के होते हैं और RTC का क्रिस्टल कहाँ पर होता है लगा हुआ, ये भी मैंने अपने चैनल पर बता रखा है। तो पहले आप उसको देख लो, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे पास जो है RTC का क्रिस्टल ये है, देख सकते हैं, ये RTC का क्रिस्टल है और यहाँ पे एक ये वाला भी क्रिस्टल है। ये PCH का 25 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल होता है और ये जो RTC का क्रिस्टल है ये 32.768 किलो हर्ट्ज का होता है। ठीक है, तो आज हम 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देखेंगे DSO की हेल्प से। ठीक है, इसके लिए क्या है, मैंने पावर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये पावर लगा दिया है। अब हम इस पर चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिस्टल पे देख सकते हैं, क्रिस्टल पे यहाँ पे क्या है, एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के पास दो वाइट कैपेसिटर है, वाइट कैपेसिटर के बिल्कुल नीचे एक रजिस्टर है। मैं इस रजिस्टर के ऊपर रखूँगा क्योंकि जो क्रिस्टल के ऊपर मैं रख नहीं सकता हूँ, मेरे को इसके जो लैग है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा इस रजिस्टर पर लगाऊँगा। इस रजिस्टर पर मैंने लगाया और आप मेरे DSO में देख सकते हैं, ये इस तरह से फ्रिक्वेंसी दिखलाता है। मैं आपको एक मिनट दिखलाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, मैं सही से लगाया नहीं हूँ शायद, पहले मैं लगा देता हूँ। ऑटो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 पॉइंट, मेरा हाथ हिल रहा है ये थोड़ा सा, 32.7 देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 32 एक्यूरेट आपको 32 दिखलाना चाहिए, कभी कभी 60 आ रहा है, ये मेरा हाथ हिलने की वजह से आ रहा है। लेकिन आप इसका डिज़ाइन चेक, डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखिए, आप इसको ध्यान देना कि ये जो डिज़ाइन है, क्योंकि क्रिस्टल के जो होते हैं दो लेग होते हैं, तो एक साइड में इस तरह का डिज़ाइन शो हो रहा है, दूसरे साइड में आप देखोगे, अभी मैं दूसरे साइड में एक बार लगाता हूँ, देख सकते हैं मैंने दूसरे साइड पे इसमें लगा दिया। आप DSO की तरफ मार करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ नहीं हिल रहा है मेरा, 32.7 है एक्यूरेट, और जो DSO का वेव फॉर्म है, ठीक है, ये वेव फॉर्म 32 किलोहर्ट्ज का है। तो इस तरह से जो RTC का क्रिस्टल होता है हमेशा आपको इसी तरह दिखाना चाहिए। आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, तो अभी आपने इस तरह का डिज़ाइन देखा, दूसरे तरफ का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, देख सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए क्रिस्टल के दोनों लेग में, सेम फ्रिक्वेंसी नज़र नहीं आनी चाहिए। 32.768 का
जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगा, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो अलग अलग होने चाहिए दोनों लेग के ऊपर। जैसे इस लेग पे आप देख लिया आपने, दूसरे लेग पे देख सकते हैं, ठीक है, हल्का सा वेरिएशन है इसके डिज़ाइन में, ये वेरिएशन होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि 100% आपका क्रिस्टल ओके है, क्योंकि मल्टीमीटर से आप 50-50 पे चांस है कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको मल्टीमीटर से पता कैसे करेंगे कि क्रिस्टल सही है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को आपको रखना पड़ेगा मिली ओम पे, वोल्टेज पे ही रखना है। देख सकते हैं मैंने वोल्टेज पे रखा है, लेकिन मैंने 200 मिली वोल्ट पे रखा है, क्योंकि क्रिस्टल पे जो वोल्टेज बनता है वो मिली वोल्टेज बनता है। तो मैं एक बार मिली पे चेक कर लेता हूँ। देखिए मैं क्रिस्टल के एक लेग पे रखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13, ये वेरिएशन हो रहा है। एक मिनट मैं सही से लगाता हूँ इस पर, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखला रहा है, थोड़ा सा आपको 2 वोल्ट पे करना है सेट, मिली वोल्ट से ज़्यादा होगा। हाँ देख सकते हैं ये 590 के आसपास एक लेग की तरफ आ रहा है, और दूसरे लेग की तरफ मैं आपको दिखलाऊंगा, और ये वेरिएशन ये बता रहा है, जैसे आपने देखा था DSO में कि ये ऊपर नीचे हो रहा था, यही वेरिएशन वही बता रहा है, ठीक है, 500-600 के आसपास। और दूसरे लेग पे आपको मैं दिखला रहा हूँ, तो दूसरे लेग पे देख सकते हैं बिल्कुल कम है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक लेग पे अलग वैल्यू है, दूसरे लेग पे अलग वैल्यू है, और वेरिएशन दोनों लेग पे हो रहा है। देख सकते हैं आप, रुका हुआ नहीं है 20 पे या 20 पे, 20, 18, 22 ये वेरिएशन हो रहा है, उसी तरह दूसरे लेग पे भी ऐसा ही हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। तो ये वेरिएशन होना चाहिए मल्टीमीटर में, और दोनों लेग की जो वैल्यू है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो आप मल्टीमीटर से भी कह सकते हो कि 80% आपका क्रिस्टल ओके है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि DSO से क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी, RTC क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी कैसे चेक की जाती है, क्योंकि मैं इसमें 25 मेगाहर्ट्ज़ तो नहीं दिखला पाऊँगा, क्योंकि लैपटॉप नो डिस्प्ले में है, क्योंकि जब तक डिस्प्ले नहीं आएगा जब तक इस पर क्लॉक नहीं बनेगा 25 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो मेरा था आज का ये वीडियो, RTC का क्रिस्टल DSO से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।